तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं परस ठगराल वर्सेस स्नेहा सचदेवा कंट्रोवर्सी के बारे में। दिन ब दिन ये कंट्रोवर्सी बहुत ही सीरियस होते जा रहा है। स्नेहा सचदेवा कल एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर उन्होंने बोला था कि परस ठगराल तीन चार लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। उस वीडियो में स्नेहा सचदेवा कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ चैट्स का स्क्रीनशॉट दिखाया था। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए परस ठगराल एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल गोल्डिगर गर्ल एक्सपोज। इस वीडियो में परस ठगराल बोला कि स्नेहा सचदेवा ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा है। तो एक छोटा सा पार्ट आप लोग भी देखिए। इस पेपर में देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है। इस पेपर में लिखा हुआ है कि हृदय की कस्टडी वो जाएगी इसके पेट मतलब पापा को। इसने तो डील कर दी, इसको जो पैसे चाहिए थे मिल गए। अब कस्टडी कहां है हृदय की? हाँ, ये एफ पॉइंट पढ़ना, एफ पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं। एफ पॉइंट का तो इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ये पढ़ लेना। साफ साफ इसके अंदर मेंशन है कि हृदय की कस्टडी जाएगी पारस को। हाँ, लेकिन ये मिलने आ सकती है, बिल्कुल मिलने आ सकती है। भाई मां है तो आ ही सकती है मिलने। लेकिन फिर किसी ने ना इसको ये समझाया, पागल है तू, तू बेवकूफी कर रही है। जो हृदय को दे रही है, हृदय तो कंटेंट है, हृदय को मत दे, हृदय के नाम से तो व्यूज आएंगे, हृदय का तो चैनल भी है, तो हृदय तो कंटेंट है, पैसा तो कमाना है मैडम को। और अगर मैडम को पैसा नहीं कमाना है तो भाई जिस दिन लड़ाई चल रही थी अगले दिन नेल एक्सटेंशन चल रहे थे, और जिस दिन लड़ाई चल रही थी वो क्या कर रही थी अगले दिन, कल प्रमोशन। पैसा नहीं कमाना मैडम को, मैडम ने तो नया चैनल बना लिया एक और। तो भाई सारी लड़ाई थी पैसे के लिए। परस ठगराल के इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए स्नेहा सचदेवा और एक वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने परस ठगराल को कुछ ये रिप्लाई किया। ये कह रहे कि स्नेहा ने खुद अपना चैनल हाइड करा और नया चैनल बना लिया। तो भाई मैं आपको पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ जिसमें क्लियरली बोला कि योर चैनल हैज बीन परमानेंटली डिलीटेड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये चैनल जो है वो मेरा परमानेंट डिलीट हो गया है, ये वापस नहीं आ सकता है, इसको कहीं पे भी हाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेरा चैनल जो है वो एक्सेस आपके पास था। अब आप कहोगे कि भाई एक्सेस मेरे पास नहीं था, तो पहले आप उसकी भी रिकॉर्डिंग सुन लो। डाल रही हूँ अच्छा, और उसके बाद ये एक्सेस क्यों चाहिए? अगर आपको वीडियो डालनी है आप डाल दो वीडियो, आपको कोई मना थोड़ी है। अकाउंट चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए चाहिए? नहीं भाई अकाउंट चेंज नहीं, मुझे तो डर है, आपने बोला था ना डिलीट कर दूंगा, इसीलिए। पैसे कैसे डिलीट कर दूंगा मैं? आपने ये बात कही है मुझे, मैंने उससे पहले मैंने एक बात ये भी कही थी कि भाई अगर आप कुछ करोगे तो होगा वो तो सब। इस कंट्रोवर्सी के बारे में लक्ष्य चौधरी उनके रिसेंट ब्लॉग में बात किया जहां पर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी कुछ ये कहा। और अब पिछले एक दो दिन से वे दोनों एक दूसरे पे वीडियो डाल रहे हैं और पारस ने स्नेहा के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाया, मतलब मेन रीजन उसने दिखाया चीटिंग का, कि चीटिंग हो रही थी इसलिए पहले भी ऐसा हुआ था, छूटने वूटने का, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, फिर वापस अब इसने सब किया, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक दूसरे के चैनल डिलीट कर दिया, कुछ कर दिया, उधर वो स्नेहा एक स्टोरी में डाल लिया मुझे जस्टिस चाहिए, अगली मैं एक बेटिंग ऐप प्रमोट कर रही चैनल भी डिलीट हुआ किसी ने, पता नहीं मैं कह नहीं सकता हाइड कर दिया हो किसी ने, मतलब मैं थोरली फॉलो नहीं कर रहा, ऊपर से मुझे काफी क्रिंज हो गया वीडियो देख के। बट मैं कहूंगा यार कि पारस से मैं कहना चाहूंगा, देख भाई ऑडियंस कैसा है, लोग जो है ना मजा लेते हैं हर तरफ, तुझे लग रहा हो तुझे कोई सपोर्ट कर रहा है स्नेहा को नहीं कर रहा, स्नेहा को लग रहा हो तुझे कोई सपोर्ट कर देगा पारस को नहीं करेगा, यही लोग हैं दोनों तरफ जो देख रहे हैं ना, सेम लोग हैं, लोग तो मजे लेते हैं। अब पारस ने कहा कि यार मैं कुछ बच्चा लेने देने का भी चल रहा है कि पारस के पास है बेटा और स्नेहा कह रही है मुझे चाहिए, तो भाई ऐसा है पारस ने अपने वीडियो में बोला है कि यार इस बच्चे का फ्यूचर क्या है, मतलब इसको कल को लोग कैसे जज करेंगे, इसलिए मैं नहीं दे रहा, और हमने बहुत इसकी केयर की, इसके लिए किया मैंने जो भी किया। तो भाई अगर बच्चे का इतना है ना तो ब्रो ये जो वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पे बहुत ही गलत है, सोशल मीडिया पे जस्टिस नहीं मिल सकता, और अपनी वाइफ कैसे स्क्रीनशॉट डालने तो मैं बहुत ही गलत कहूंगा, क्योंकि एक छोटा सा चांस रहता है हमेशा इंसान को माफ करेगा ना चीजें भूलने का, और जब दो तीन इंसान के बीच में वो बातें तो भूली जा सकती है, बट जब आप सोशल मीडिया पे सब डाल दोगे ना, और आप करियर भी आपको सोशल मीडिया से ही बनाना है, और वहीं आप अपनी वाइफ के स्क्रीनशॉट कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हो, तो कल को अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना तो यही जनता आपको गाली बकेगी, ये कहेगी कल तो ऐसी थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कौन सही और कौन गलत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी बिग बॉस के ऊपर जो रोस्ट वीडियो अपलोड किए उसमें उन्होंने एमसी स्टैन को भी रोस्ट किया। तो कैरी मिनाटी के उस रोस्ट वीडियो में से एक छोटा सा पार्ट आप लोग भी देखिए। अरे लोखंड वाले मैं घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। अबे लंडे का तो घुसेगा, आराम से जा भी तो सकता है। बाप क्यों खाले तू आके दिखा, तेरी माँ क्यों खाले तू आके बता, गाली दे रहा है मेरे से गाली देगा, आगे दिखा, आगे दिखा। ऐसा लगा रहा है युजवेंद्र चहल बॉल डाल रहा है। नहीं एक बार ये देखो फिर ये देखो, अगला कूलर पे रख के चला देगा, लेकिन भाई ने सोचा अपन भी बॉडी बनाएगा, इसलिए भाई ने कार्डियो करना चालू कर दिया। अब मैंने बिग बॉस के 100 घंटे चाटे हैं, उसमें से कुल मिला के 20 मिनट इसकी फुटेज होगी, लेकिन फिर भी एंड द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 गोज टू एमसी स्टैन। इसे कुछ होश ही नहीं है, चल क्या रहा है? आ वेंचर जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो विवेक ओबरॉय भी है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।